एक बार भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? हाँ करोगे ना, कर दो ना भाई प्लीज। और ये वही ताज होटल है जहाँ पे अटैक हुआ था, 26/11 का हमला हुआ था आतंकवादियों ने जो किया था। ये देखो गाइस यहाँ पे लाइव स्केच बना रहे हैं ये इनका। गाइस मैं ढूंढ रहा हूँ किसी फॉरेनर को जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करूँ और बात करूँ, बट यहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं। भाई आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज आपने काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के बारे में सुना ही होगा, तो वो आगे ही है आर्ट गैलरी उसका काला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है एकदम अनएक्सपेक्टेड और रैंडम व्लॉग। मींस अभी मैं घर से निकला हूँ कुछ भी सोच के कि मुझे जाना है चर्च गेट में और गेटवे ऑफ इंडिया साइड में, कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी हो सकता है आज के व्लॉग में। और एक भाई का कमेंट आया था कि हमें इंडिया गेट बताओ, तो गाइस इंडिया गेट तो दिल्ली में है वो नहीं बता सकता हूँ मैं, बट मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया तो वो तो बता ही सकता हूँ। तो चलेंगे गाइस वहाँ पे। अभी मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है कुछ, तो देखते हैं गाइस जो भी सीन रहेगा मैं आपको बताता हूँ। बने रहिए वीडियो में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप लोग में से अगर पहली बार कोई हमारे चैनल पे आया है तो मुकुंद जोशी व्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। पहले हमें यहाँ से रिक्शा पकड़ना पड़ेगा स्टेशन के लिए, जो कि हम हमेशा यहीं से पकड़ते हैं। देख सकते हो सामने रिक्शा स्टैंड है। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, ये देख सकते हो यहाँ पे नाश्ते का शॉप है भाईंदर स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट में। देख सकते हो मैंने टिकट तो ले ली है यहाँ पे। और आज का मौसम भी थोड़ा क्लाउडी है, न्यूज़ पे भी देखा था गाइस कि मुंबई में आज बारिश होने के चांसेस है, तो देखते हैं। फिलहाल ट्रेन का इंतजार है, 11:44 की ट्रेन आने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि चर्च गेट से रिटर्न आते हुए जुहू चौपाटी भी जाके आऊँ, क्योंकि वहाँ का भी व्यू एकदम मस्त है। मीन्स बहुत फेमस चौपाटी है वो मुंबई में, तो मुझे जाके भी बहुत टाइम हो गया है, तो देखते हैं वहाँ का भी माहौल एक नंबर रहता है इवनिंग व्यू का। तो जो भी फिक्स नहीं बोल सकता कन्फर्म, बट देखते हैं चांसेस है हम जाएंगे वहाँ पे। फाइनली गाइज मैं चर्च गेट पहुंच चुका हूँ, देख सकते हो आप लोग चर्च गेट, और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। एंड यहाँ का स्टेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है, देख सकते हो इसी ट्रेन से आया अभी मैं, तो अभी चलेंगे स्टेशन से बाहर। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है गाइस, एंड यहाँ पे देख सकते हो गेट्स भी लगे हुए हैं जिसमें स्कैनिंग होती है। बच्चे बेचारे ऐसे भी सोते गाइस, देख सकते हो स्टेशन वगैरह पे। बट हर किसी के लिए हम कुछ ना कुछ कर सके उतने काबिल बने नहीं है अब तक, बट एक दिन ज़रूर महादेव करेंगे तो सब कुछ होगा। एंड गाइस चर्च गेट स्टेशन से निकलते ही यहाँ पे अंडरग्राउंड जो रोड जाता है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है अलग अलग चीज़ों का। नीचे से अंडरग्राउंड वे में हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो गाइस ये घोड़ा दौड़ा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो मैंने पूरा मार्केट लगता है इवनिंग में है, और ज़्यादा लगता है ये पूरा भर जाता है यहाँ पे, अभी कोई है नहीं खाली है पूरा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है गाइस, बट कोई नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से स्टेशन से निकल के चल के जाऊँ गेटवे ऑफ इंडिया तक, ताकि हर एक चीज़ बता पाऊँ आपको अच्छे से। स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे टैक्सीज मिल जाती है। गाइज मेरे पीछे ये जो लेफ्ट वाला रास्ता जा रहा है वो जाता है फैशन स्ट्रीट के लिए, और हमें जाना है गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये जो सामने रोड है वो है, और आगे से राइट लेना है हमें।
यहाँ पे बहुत ज्यादा विंटेज और ओल्ड बिल्डिंग्स भी है, बहुत मस्त मस्त चर्च गेट में देख सकते हो, बहुत ओल्ड जमाने की देख सकते हो। एंड ट्रैफिक का कैसे रूल फॉलो करते हैं यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हमारे वहाँ पे होते तो डायरेक्ट बिना ट्रैफिक को देखे हुए ऐसे डायरेक्ट गाड़ी डाल देते हैं। तो गाइस गाइस बॉम्बे हाई कोर्ट देख सकते हो, ये पूरा हाई कोर्ट का एरिया है और हमें जाना है इस रास्ते पे एकदम स्ट्रेट। रोड्स देखो गाइस कितने क्लीन होते हैं यहाँ पे, हर एक चीज मेंटेन होती है। अगर गाइस यहाँ पे रोड पे भी कोई कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया तो उसे डायरेक्ट फाइन लग जाता है, ऐसा मतलब यहाँ का पूरा एनवायरमेंट रहता है और मेंटेनेंस होता है हर एक चीज का। हर जगह पे आपको पुलिस वाले भी देखने को मिल जाते हैं। अकेला बंदा भी रुका है गाइस सिग्नल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग का वॉकिंग सिग्नल है इसकी वजह से। कितनी सारी बुक्स है देख सकते हो आप लोग। ये बुक्स गाइस, ये बुक तो मेरे घर पे पड़ी है, रिच डैड पुअर डैड। और उसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन विन करके एक बुक है और अ मैन कॉल्ड ओ रिवर्क स्टार्ट विथ अस और ऐसी बहुत सारी, थिंक लाइक अ मॉन्क एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे। 150 फिक्स प्राइस हर एक बुक का। गाइस यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई है रोड पे और भैया सेल कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे लोग पेंटिंग्स बना के भी रोड पे सेल कर देते हैं। पीछे भी था ये देख सकते हो, यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे भी है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये देखो गाइस यहाँ पे भी है पूरा, यहाँ पे हर एक चीज मतलब हर एक जगह पे पेंटिंग्स लगी हुई है, यहाँ पे भी है, इधर भी है। ये गली पूरी पेंटिंग की है, पूरा फुटपाथ पे लेफ्ट साइड में। यहाँ पूरा मार्केट ही है गाइज, मीन्स वॉचेस, सनग्लासेस और लेडीज के झुमके वगैरह, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो हमें तो स्ट्रेट में जाना है तो मैं ऐसे मार्केट देखते हुए आ रहा हूँ, पूरा मजा आ रहा है। सामने आर्ट गैलरी है, उसके बाहर ही वो पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स बेच रहे थे और अंदर पूरा आर्ट गैलरी भी देखने जा सकते हैं हम लोग, ऐसा भी है, बट वहाँ जाना नहीं है अभी हमें। स्टेशन से गाइस गेटवे ऑफ इंडिया अराउंड 1.2 किलोमीटर है, मतलब 6 मिनट का रास्ता है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं तो बाय वॉक ही आ गया और पता भी नहीं चला कैसे पहुंच गया। एंड ये देख सकते हो सामने गेटवे ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे क्राउड भी है बहुत सारा, जो सैटरडे है उसकी वजह से शायद। और ये वही ताज होटल है जहाँ पे अटैक हुआ था, 26/11 का हमला हुआ था आतंकवादियों ने जो किया था, वो ये होटल है। तो गाइज अभी मैं आपको ताज होटल के अटैक के बारे में कुछ बताता हूँ कि वो जो अटैक हुआ था 26/11 का, वो रात के अराउंड 9:30 बजे हुआ था। और सबसे पहले तो हॉल का एरिया है, वहाँ पे दो बंदे घुसे थे AK-47 लेके, और उस इंसिडेंट में 58 लोगों की मौत हुई थी और अराउंड 124 लोग इंजर्ड हुए थे, मीन्स घायल हुए थे। तो ये देख सकते हो पूरा सीन यहाँ पे ही हुआ था। और कितनी बड़ी होटल है गाइज, तो सोच सकते हो कितने अंदर एंट्रेंस के डोर होंगे और कहाँ से घुसे होंगे वो लोग। बट मेन सोर्स उनका आने का गाइज शायद पानी से ही आए होंगे, यहाँ से शिप के थ्रू ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है, तो आएंगे कहाँ से। अगर आपका मन है कि फोटो खिंचवाना है और वो तुरंत प्रिंट करके भी दे देते हैं आपको, तो अच्छी चीज है ये। यहाँ से आपको फेरी बोट्स वगैरह मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी बोट्स और फेरी जाती है। कहाँ पे जाती है? एलिफेंटा के लिए जाती है, जो कि हमने पहले एक ब्लॉग डाला था एलिफेंटा का, जिसमें मैंने बताया था और उससे हम लोग ट्रैवल करके भी गए थे एलिफेंटा। तो वो ब्लॉग अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देखना, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हम लोग जा रहे हैं गाइस ताज होटल के थोड़ा पास में, ताकि अच्छे से शॉट ले पाए। Thank you.
एंड गाइज गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का लास्ट पार्ट है, मीन्स इसके आगे पूरा अरेबियन सी है और चर्चगेट स्टेशन भी लास्ट स्टेशन है, इसके आगे और कोई स्टेशन नहीं है। तो ये मुंबई की सीमा है और बॉर्डर भी बोल सकते हैं इसे मुंबई का। एंड गाइज मुंबई में जब तेज बारिश होती है तो आप लोग वायरल वीडियोस देखते हो, न्यूज चैनल पे देखते हो कि पानी पूरा बाहर आ रहा है, रोड पे आ रहा है, तो वो गाइज यहीं से आता है पूरा पानी टकरा के, देख सकते हो समंदर का, और वो बाजू में वो रोड पे देख सकते हो यहाँ से पूरा पानी बाहर की तरफ जाता है। गाइज इस औरत के बाल देख सकते हो आप लोग कैसे है। देखो गाइज डबल डेकर बस पहले ओपन हुआ करती थी, बट अभी ये नई बसेज आई हुई है जो कि ऊपर से पैक होती है और सवारी भी बैठी हुई है, देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेशरम बनने वाला हूँ और अननोन लोगों से जाके बोलने वाला हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्या। तो देखते हैं गाइज यहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं। भाई आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं? क्यों नहीं कर दो ना प्लीज़। यूट्यूब बोलिए, मैं बताता हूँ आपको, मुकुंद जोशी व्लॉग्स, KUND। हाँ आगे फर्स्ट, ओके भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। गाइज आपका नाम बता दो आप लोग, क्या नाम है? यश। और आपका भाई? हर्तिक। हर्तिक और आपका? विक्रम। विक्रम, तो थैंक यू भाइयों आपको, और आप इनको भी शेयर कर देना दोनों। तो गाइज एक सब्सक्राइबर मिला लेकिन साथ में दो और थे, तो वो लोग मतलब वो बंदा उसको उन दोनों को भी शेयर कर देगा। फिलहाल मैं देखता हूँ और ऐसे लोगों को जो ऐसे ही फ्री में है तो उनको पूछ के देखते। भाई आप यूट्यूब यूज करते हैं क्या? भाई नहीं करते हो? ठीक है ठीक है। तो गाइज इन भाई ने मना कर दिया डायरेक्ट कि वो यूट्यूब यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे और कोई दिख नहीं रहा है मुझे आसपास में, बट देखते हैं गाइज। भाई आप यूट्यूब यूज करते हो? देखो ये तो बच्चा इग्नोर ही कर रहा है गाइज। तो गाइज ये भाई मिले अभी, वो भी बोल रहे हैं कि मैं यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दूंगा आपके, तो मैं आपको चैनल का नाम बता देता हूँ। मुकुंद जोशी व्लॉग्स। मुकुंद जोशी व्लॉग्स। नोटिफिकेशन ऑन कर। ओके थैंक यू भाई, आपका नाम बता दो एक बार। अतुल। और आपका भाई? दीपक। ठीक है थैंक यू भाई। हाँ आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नाम बता दो। लिख अनिल बंसल। ओके भाई और आप भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा यार, एक सेकंड लगेगा, कर दो ना यार, यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करके सब्सक्राइब ही करना है। क्या नाम है आपका? मुकुंद जोशी व्लॉग्स। मुकुंद? मुकुंद जोशी व्लॉग्स। मुकुंद जोशी व्लॉग्स। नहीं वैसे तो बढ़िया है, ब्लॉग्स है, VLOGS है एंडिंग, मुकुंद जोशी लिखते ही आ जाएगा वैसे तो। ये रहा फर्स्ट। ओके थैंक यू भाई। तो गाइज ऐसे ही रैंडमली मैंने 6 सब्सक्राइब करवा लिए हैं और यहाँ पे अभी और कोई क्राउड दिख नहीं रहा है मुझे, वरना सबसे करवा लेता, क्योंकि लोग यहाँ पे फोटोशूट वगैरह में बिजी है, कैमरामैन यहाँ पे, कैमरामैन इतने जितने कि लोग घूमने नहीं आते यहाँ पे। एंड गाइज अगर गाँव से कोई आता है यहाँ पे मुंबई घूमने, तो जिनके घर पे आते वो लोग बेचारे उनको घुमा फिरा के गेटवे ऑफ इंडिया ही घुमाने को लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा बेस्ट स्पॉट है। और पीछे ताज होटल का व्यू है पूरा। अभी मैं यहाँ पे आया था, पीछे एक शॉप है मेरे, वहाँ से पानी का बॉटल लेने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है क्योंकि 4K 60 FPS में शूट हो रहा है गाइस, तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मीन्स छोटे छोटे शॉट्स लेने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ छाव में बैठ के, और 5-10 मिनट बाद देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो गाइस हमें यहाँ पे दो भाई और मिल गए हैं, उनको पूछ के देखते हैं एक बार। भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? हाँ करोगे ना, कर दो ना भाई प्लीज। कौन मारते थे? मुकुंद जोशी व्लॉग्स। आप में भी कर दो ना, एक मिनट लगेगा। कितने सब्सक्राइबर्स हमारे? अपने 4,500 हो गए। मुकुंद जोशी व्लॉग्स भाई देखो सर आप ही। मुकुंद जोशी व्लॉग्स के भाई के फोन में तो हो गया है। भाई आपका नाम बता दो एक बार। गोविंद। गोविंद। गोविंद भाई थैंक यू, और आपका नाम क्या है भाई? मारी। मारी आपके फोन में आया कि नहीं? लाओ मैं डालता हूँ।
हमारा हीरो तो ये करेगा ना अभी हीरो डालेगा ना अभी यूट्यूब में ना देखना भाई मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ अच्छे अच्छे हो गया भाई आपके फोन में भी ओके थैंक यू भाई आप दोनों को गाइस मैं ढूंढ रहा हूँ किसी फॉरेनर को जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करूँ और बात करूँ बट कोई मिल नहीं रहा है और एक कपल मिले थे मुझे जिनके साथ थंबनेल में भी फोटो देखा होगा आपने बट उनकी लैंग्वेज कुछ और ही थी स्पेनिश या फ्रेंच वगैरह तो वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया वो लोग क्या बोल रहे थे तो बस यही है दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फॉरेनर मिल जाए मुझे जिससे मैं बात करूँ तो गाइस अभी हमें यहाँ पे दो भाई और दिख रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं भाई आप यूट्यूब यूज करते हो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर दोगे कर दो ना भाई प्लीज सर्च करो मैं बताता हूँ यूट्यूब ओपन करो मुकुंद जोशी व्लॉग्स KUND JOSHI हो गया ना 4000 क्रॉस हो गया अपना सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन ऑन कर दो ऑल पे कर दो ओके आप में भी कर दो भैया आप अकेले आए हाँ मैं अकेले आया हूँ साथ में पार्टी पी को लेके आते हैं नहीं मैं अकेले ही घूमते रहता हूँ भाई आप मैं कर देता हूँ मुकुंद जोशी व्लॉग्स ओके थैंक यू क्या नाम है भाई आपका बता दो पहले नाम क्या भावेश और आपका नाम क्या दिलकुश ओके दोनों भाइयों को थैंक यू कल के व्लॉग में आएंगे आप लोग गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे मैंने अराउंड 1 से 1.5 घंटा बिताया और बहुत सारे रैंडम लोगों से जाके बात की चैनल सब्सक्राइब करवाया और आप लोगों को जितना बताया वो ऑन कैमरा थे बाकी ऑफ कैमरा पे भी बहुत लोगों को मैंने सब्सक्राइब करवाया है जो कि मतलब शर्मा रहे थे कैमरे में आने से तो मैंने उनको नहीं लिया बट मज़ा आया आज के व्लॉग में तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं अब क्योंकि मुझे इवनिंग में ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी जाना है तो यहाँ से निकलना और टाइम पे पहुँचना इम्पोर्टेंट है और अराउंड 1.5 घंटा तो हमें यहाँ से पहुँचने में लग जाएगा भाईंदर अभी हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से स्टेशन के लिए और स्टेशन से देखते हैं विले पार्ले जाना पड़ेगा हमें जुहू चौपाटी जाने के लिए तो आज के व्लॉग में अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको बताऊंगा वरना डायरेक्ट घर पे चले जाएंगे गाइस गर्मियों का सीज़न नहीं होता और विंटर सीज़न होता तो मैं पूरा दिन घूम सकता हूँ उतनी कैपेसिटी है मेरी क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ घूमने के लिए बट गर्मी की वजह से गाइस बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ये देखो गाइस यहाँ पे लाइव स्केच बना रहे हैं ये इनका गाइज आपने काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के बारे में सुना ही होगा तो वो आगे ही है आर्ट गैलरी उसका काला घोड़ा तो इसलिए यहाँ पे सब आर्टिस्ट बैठते हैं और अंकल जी देखा अपने अंकल ने लाइव स्केच बनाया उस लड़की का जो कि बहुत मस्त था अभी तो रेडी होना बाकी था बट मुझे लेट हो रहा है तो मैं निकल गया वहाँ से यहाँ पे बहुत सारी वैनिटीज खड़ी है शायद यहाँ पे आसपास में कोई शूटिंग चल रही है देख सकते हो पूरी वैनिटी वैन्स है यहाँ पे भी एक है आगे इतनी सारी ट्रक्स है शूटिंग के लिए आई हुई है शायद सब अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है इस एरिया में तो कंफ्यूज हो सकता है कि CST और चर्च गेट स्टेशन दोनों अलग अलग है CST जाने के लिए वो स्ट्रेट रोड जा रहा है पीछे वाला वो है और चर्चगेट जाने के लिए मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ वो वाला रोड पड़ता है तो दोनों स्टेशन दिखते भी एक जैसे ही है और डिस्टेंस भी दोनों का मतलब सेम ही है ज़्यादा दूर दूर नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वेस्टर्न रेलवे के लिए हमें चर्चगेट से जाना पड़ेगा और शायद सेंट्रल रेलवे के लिए हमें CST स्टेशन जाना पड़ेगा और बाहर से दिखने में भी एकदम एग्जैक्ट है दोनों स्टेशन मौसम ऐसा है कि गाइस कभी कभी धूप आ रही है बहुत कड़क और कभी कभी छाव हो जा रही है मीन्स क्लाउडी वेदर है तो बस थोड़े दिन की बात है 15-20 दिन में तो अराउंड मॉनसून आ ही जाएगा मुंबई में एंड गाइस नीट एंड क्लीन रोड्स देख सकते हो आप लोग कितना साफ रहता है यहाँ पे हर एक चीज ओह गाइस ये देखो पहले मुझे लग रहा था कि निशांत को साथ में लेके आऊँ या किसी फ्रेंड को लेके आऊँ बट अभी ऐसा लग रहा है कि अकेले आने में और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि अकेले अपने मर्जी के हिसाब से घूम सकते हैं कहीं पे भी रुक सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बट साथ में कोई रहता है तो वो किरकिर करते हैं मुझे नहीं पसंद है और निशांत की तो ज़्यादा आदत है ये कि साथ में होता है तो बड़बड़ाते रहता है वो
और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, इसलिए मैं अकेले ही आ गया आज तो। देखो गाइस क्लॉक टावर यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे अच्छा लोकेशन है पीछे बैकग्राउंड में। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं चर्च गेट स्टेशन, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है चर्च गेट पेडिस्ट्रियन सबवे। तो सबवे से वापस जहाँ से आए थे हम लोग वहाँ से जाएंगे। तो भूख लग रही है तो अभी यहाँ पे कुछ खाऊंगा मैं। गाइज चार नंबर प्लेटफॉर्म पे विरार फास्ट आ रही है 257 की, 7 मिनट बचा है तो चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चर्च गेट फाइनल स्टेशन है, मींस लास्ट स्टेशन है, तो ये देख सकते हो ट्रेन का भी फाइनल स्टॉप यहीं पे है, इससे आगे नहीं जाती है ट्रेन। फाइनली गाइस ट्रेन में बैठ चुका हूँ मैं और थोड़ी देर में निकलने ही वाली है बस। तो गाइस एक अभी ट्रेन में भाई मिल गए, उनको भी सब्सक्राइब करवा देता हूँ अपना चैनल। ओके थैंक यू भाई। और ये दूसरे भाई का आपका नाम क्या है भाई? प्रणीत भाई। ओके थैंक यू भाई। तो गाइस फाइनली अभी मैं भाईंदर स्टेशन उतर चुका हूँ और ट्रेन में इतना ज़्यादा क्राउड था कि पूछो मत गाइस। एंड अब से तो मैं ये गोल्डन चेन पहनता हूँ, वो भी अवॉइड करूँगा क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा है कि कुछ भरोसा नहीं, कभी गायब भी हो सकती है और एक व्लॉग के चक्कर में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एंड रियली सॉरी गाइज, आज के व्लॉग में हम जूहू चौपाटी कवर नहीं कर पाए क्योंकि अगर वहाँ पे जाते तो इवनिंग के 5-6 बज जाते और क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता लोकल ट्रेन में, ऑफिस वाले भी वो टाइम पे छूटते थे। तो अभी इतना क्राउड था तो गाइज सोच सकते हो आप लोग इवनिंग में कितना क्राउड होता। गाइज जब मैं चर्च गेट ट्रेन में बैठा और वहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था, अपने व्लॉग के लिए बोल रहा था ऐसे ही, तो दो दोस्त थे वो आए मेरे बाजू में बैठे और उसमें से एक बंदा पूछता है कि भाई आपको क्राउड का मतलब डर नहीं है क्या, आप वीडियो ऐसे खुलेआम बना लेते हो? तो वैसे हमारी बातें शुरू हो गई और उन दोनों को भी हमारे चैनल के बारे में बता दिया। तो अगर वो दोनों भाई भी अभी ये ब्लॉग देख रहे हैं या फिर आज सुबह से जितने भी हमें रैंडम लोग मिले जिन्होंने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, तो उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। गाइज आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। तो इसी के साथ गाइज मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।